हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फ्लिप इनसाइट में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ कांगड़ा। इसमें हमने ज्योग्राफी का पार्ट कवर किया है। इससे पहले भी हम काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स आपके साथ कवर कर चुके हैं, जैसे सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला। वैसे ही आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी पार्ट। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिला कांगड़ा 31 डिग्री 40 से 32 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तथा 70 डिग्री 35 से 77 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसकी जो समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसकी 500 से 5500 मीटर है, और भारत के सर्वेक्षण जनरल द्वारा मापित इसका क्षेत्रफल 5739 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 4849.25 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कांगड़ा के अंतर्गत प्रदेश का 10.31% भूभाग आता है तथा आकार की दृष्टि से यह चतुर्थ सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कांगड़ा के अंतर्गत प्रदेश का 10.31% भूभाग आता है, और ये आकार की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि पर यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर कांगरी, पंजाबी और हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। इस जिला के दक्षिण पश्चिम में ऊना, उत्तर पश्चिम में पंजाब का गुरदासपुर जिला, उत्तर में लाहौल स्पीति व चंबा जिला, इसके पूर्व में कुल्लू व मंडी जिले तथा दक्षिण में इसकी सीमा हमीरपुर जिला से लगती है। कांगड़ा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय धर्मशाला में है। धर्मशाला में यहाँ पर तिब्बती मोनेस्ट्री भी है, जो एक बार पेपर में पूछा गया था कि तिब्बती मोनेस्ट्री कांगड़ा में कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है धर्मशाला। इसका क्षेत्रफल 5739, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 86.49% है। इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। आइए बात करते हैं यहाँ के पर्वत शिखर की। कुल्लू और कांगड़ा में हनुमान टिब्बा पड़ता है, और घोरा तनतनु कुल्लू कांगड़ा में पड़ता है, चोलांग कांगड़ा में पड़ता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कांगड़ा जिले में पाई जाती है। इसका कुछ हिस्सा मंडी व चंबा जिले में भी पड़ता है। इसे मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्वी और पश्चिमी मानसून की बैठक स्थान बोला जाता है, जो धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने का कारण बनता है। आइए अब बात करते हैं नदियों के बारे में, जो यहाँ पर नदियाँ बहती है। यहाँ पर मुख्यतः ब्यास नदी बहती है, जो समुद्र तट से 3978 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग पास के पास पीर पंजाल रेंज से निकलती है। यह कांगड़ा में पालमपुर के संघौल से एंटर होती है, और मिर्थल में यह कांगड़ा को छोड़ देती है और पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में प्रवेश कर लेती है। बिनवा नदी संघौल के निकट ब्यास नदी से मिलती है, और देहर और चक्की नाला पंजाब के गुरदासपुर के साथ ज़िले की सीमा बनाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन ज़िले की सीमा बनाते हैं, तो देहर और चक्की नाला पंजाब के गुरदासपुर के साथ से इस ज़िले की सीमा बनाते हैं, और न्यूगल नदी सुजानपुर के निकट ब्यास से मिल जाती है।
अब बात करते हैं यहाँ के झरने और चश्मे की। यहाँ पर भक्सुनाथ, ज्वालामुखी, लुनानी और सुलह झरने पाए जाते हैं। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह घाटी शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली है। इस घाटी के प्रमुख नगर है धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान दिखता है। घाटी का वीर स्थान पैराग्लाइडिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं यहाँ के दर्रों की। यहाँ पर भीम घसूतड़ी दर्रा, तेतु दर्रा, मकौड़ी जोत, जालसू जो कांगड़ा और चंबा के बीच में है, और तामसर दर्रा पाए जाते हैं। ये सारे ही दर्रे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में ही स्थित है। अकबर ज्वालामुखी मंदिर की सच्चाई जानने के लिए ज्वालामुखी आया था। मान्यताओं के अनुसार ज्वालामुखी में सती की जीप गिरी थी। 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। यह क्वेश्चन भी HP हाई कोर्ट एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन यहाँ से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था, तो इसका आंसर था फिरोज शाह तुगलक। मसरूर के रॉकट मंदिर, यह मंदिर कांगड़ा ज़िले में गगल नगरोटा सूर्या मार्ग पर स्थित है, मतलब वहाँ पर ये आते हैं। इस मंदिर को कश्मीर के राजा ललितादित्य ने बनवाया था। यह मंदिर मुख्यतः शिव को समर्पित था। ठाकुर द्वार यहाँ पर मुख्य धार्मिक स्थल है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की पत्थर की मूर्तियाँ हैं। मसरूर रॉकट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को महमूद गजनबी ने तोड़ा था, जिसे बाद में पुनः बनवा लिया गया था। भक्सुनाग मंदिर, यह राजा धर्मचंद ने बनवाया था। ब्रिज राज बिहारी मंदिर को राजा बासु ने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर को संसार चंद ने बनवाया था। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर भी कांगड़ा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो बैजनाथ में ही स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह शिखर शैली से निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण मयूक और आहुक नामक व्यापारियों ने करवाया था। यहाँ के कुछ और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे भवन के शिव मंदिर, चेत्रू के पास भीमिट्टा मंदिर, ऊपरी धर्मशाला में मंदिर, बिजेश्वर मंदिर महादेव, फतेहपुर में ठाकुर द्वार का मंदिर, और धर्मशाला में एक मशहूर मकबरा है, लॉर्ड एल्गिन का मकबरा। झीलें, सबसे पहली झील है पोंग झील, इसे महाराणा प्रताप सागर झील भी कहते हैं। यह झील कांगड़ा जिले में स्थित है। यह झील ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। इस झील के पास पोंग बांध भी है, जो 1960 में बना था। पोंग झील एक बनावटी झील है, मीन्स कृत्रिम झील है। यह नेचुरल झील नहीं है, यह मानव निर्मित झील है। डल झील 1775 मीटर है। करेरी झील की ऊंचाई 1810 मीटर है। यह तीन झीलें कांगड़ा में पाई जाती हैं। यहाँ पर भादल ग्लेशियर भी पाया जाता है। कांगड़ा जिला के उत्तर में लघु हिमालय आता है। इसके पूर्व में बृहत हिमालय की श्रेणियाँ स्थित है। इसके पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, शिवालिक पर्वत आता है,
और इसके दक्षिण में ब्यास और सतलुज के मध्य की पहाड़ियां हैं और बीच में कांगड़ा तथा कुल्लू की सुंदर उपजाऊ घाटियां है। कांगड़ा नगर लगभग 2,350 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर बाण गंगा और माझी नदियों के बीच में बसा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह से घुमाकर पूछ लेते हैं कि यह नगर किन नदियों के बीच में स्थित है, तो यह बाण गंगा तथा माझी नदियों के बीच में स्थित है। इसके दक्षिण में इसका पुराना किला आता है, उत्तर में ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर का सुनहरा कलश आता है। ऐसा बोला जाता है कि कांगड़ा को राजा सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध के बाद बसाया था। अब बात करते हैं कांगड़ा किला की। कांगड़ा किला बाण गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। यह सबसे बड़ा किला है, इसे बहुत बार लूटा भी गया है। यह 350 फीट ऊंचा है। इस किले पर अनेक हमले हुए। सबसे पहले कश्मीर के राजा शेष ने 470 ईस्वी में इस पर हमला किया था। सन 1886 में यह किला अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। किले के सामने लक्ष्मी नारायण और आदिनाथ मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि किले के भीतर दो तालाब है, जिसमें से एक तालाब को कपूर सागर के नाम से जाना जाता है। लोक नाट्य कांगड़ा के चंद्रोली और भक्तू लोक नाट्य मशहूर है। यहाँ पर जो मशहूर लोकगीत हैं वो है हरी सिंह राजा घोड़ी सुलिया टंगोई गई मेरी जान नूरपुर दिए खतरेटिए। कांगड़ा शैली कांगड़ा शैली के जन्मदाता गुलेर की कलम है। सेव उसके पुत्र मनकू और नैनसुख गुलेर के प्रसिद्ध कलाकार थे। 18वीं शताब्दी में गढ़वाल से आया भोला राम कांगड़ा शैली का सबसे अच्छा चित्रकार था। 1780 ईस्वी में संसारचंद के शासनकाल में कांगड़ा चित्रकला को बढ़ावा मिला। गुलेर शैली में गीत गोविंद सतसई से लिए गए हैं। कृष्ण लीलाओं का वर्णन इस चित्रकला की विशेषता है। परियोजना पोंगजल विद्युत परियोजना व्यास नदी पर बनी है, जो 396 मेगावाट है। गजजल विद्युत परियोजना शाहपुर में है, जो 10 मेगावाट है। बनेर जल विद्युत परियोजना 12 मेगावाट है। कई बार इनमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातों की बात करते हैं। जैसे कांगड़ा के अंतरेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। MS रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग्स और JC फ्रेंच ने संसार ऑफ कांगड़ा यह बुक्स लिखी है। धर्मशाला में तिप्ति मोनेस्ट्री और संदीपनी हिमालय है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही आपके लिए कांगड़ा का हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।